सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल फोटो कैचर। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और पीछे खड़े हैं उनका। भैया सॉरी 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 गाइज। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक फ्रेश व्लॉग में। मुझे मालूम है कि बहुत दिन बाद ये अवसर आया है कि मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, बट अभी कुछ टाइम तक आप मेरे चैनल पे जो व्लॉग्स है वो कंटिन्यू देखेंगे। सो बेसिकली आज अगर आप पूछें कि ये व्लॉग कैसे क्यों, तो इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बेसिकली वैसे तो मैं अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस के काम के साथ साथ आज मैं एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलने वाला हूँ। बेसिकली आप जानते हैं उनको और आप उनको फॉलो भी करते ही होंगे, और वो काफ़ी मशहूर भी है। तो कैसे मिल रहा हूँ और कहाँ मिल रहा हूँ वो एक सरप्राइज होगा। वेलकम टू नोएडा। नोएडा में ऐसा वेलकम करो जैसे मेरे रिश्तेदार का है, बट ठीक है, अपना ही नोएडा है, दिल्ली NCR रीजन है। और नोएडा के कुछ पार्ट्स तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में, जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते बिल्कुल सपाट। तो आपने अक्सर खन्ना को देखा होगा बाइक चलाते हुए, आज ये कुछ अलग करते हुए दिखेंगे। अब वो मैं भी खाना खाते हुए तो देखा होगा, बस अब आगे समझ जाओ। बनाते हुए नहीं देखा, आज ये बनाने वाले हैं। और खाना बनेगा या क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। नहीं कोई नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ। कुछ ज़्यादा मुश्किल डिश नहीं है, लेकिन खाने के साथ एक ट्विस्ट होगा। वो जो ट्विस्ट है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको अलग अलग चीज़ें सजाएगी दीपाली। दीपाली आपके पार्टनर है ना, हमारे पास लिपस्टिक है, लिपस्टिक विग है, वो दीपाली के ऊपर। आप गलत आंसर दोगे दीपाली लगाएगी, दीपाली को पूरा राइट है। दीपाली कोई दुश्मनी हो माफ़ कर दियो पहले ही। तो कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत यार, मतलब एक्साइटेड। मैगी के अलावा कभी कुछ और बनाया? हाँ यार, मंडे उबाले हैं, उससे आगे आज तक कुछ नहीं। आज भाई साहब पिज़्ज़ा बनाने वाले हमारे साथ हमारे शो पे, और मैं आपको शो के बारे में थोड़ा बाद में ब्रीफ करूँगा। पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्टूडियो की तरफ, और स्टूडियो में एक बार चल के देखते हैं कि क्या होता है और कंसेप्ट क्या है। अरे आ जाओ आ जाओ। ये बड़ा क्लाइमैक्स सीन था यार। सो दीपाली यू आर एक्साइटेड? I am excited, but I didn't understand this lift का क्या सिस्टम है। इधर शॉर्टकट। ये रहा इधर राइट में। थैंक्स टू HT देन। तो दीपाली रील्स तो बहुत बनाते होगे, लेकिन आर यू एक्साइटेड टू कुक समथिंग टुडे? या डेफिनेटली, एंड यू वोंट बिलीव दैट दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम ऑफिशियली कुकिंग। क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैगी बनाई है। ऑफिशियली को मानो ऑफिशियली तो मैंने कभी कुक नहीं करा। नहीं मतलब ऑफिशियली, मतलब जो डिश मैं बना रही हूं ना आज, दैट टू मैं यही में ही बना रही हूं। बेस्ट पार्ट इन्होंने चूज भी क्या किया, बीटरूट सैलेड। या ये कहां से आई है इनोवेशन बीटरूट सैलेड? उनको तो मैंने बोला कि आप पिज्जा बना लो, तो लाइक इट्स बीन अ वीक और समथिंग। तो एक हफ्ते पहले हम ऐसे देख रहे थे किसी की रेसिपी, तो वहां पे आया बीटरूट सैलेड, एंड आई रियली गॉट एक्साइटेड। मैंने अपनी बहन को बोला कि लेट्स ट्राई दिस। तो माय सिस्टम मेड दैट, I had just one spoon of it and I was like, "Bas, this is my go-to food now. I make it, I eat it. तो अब जाके मैं उसे really बनाऊंगी and I'll eat it. थैंक्स टू HT किचन, हमने इनको मौका दिया बीटरूट सैलेड बनाने के लिए। सो खन्ना जी तो यहाँ भी चालू हो गए अपने व्लॉगिंग सेटअप के साथ। क्या कर रहे हो खन्ना जी, बताओ? लैपटॉप पे डेटा मैनेज। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आपको खाना का रेसिपी देखना चाहिए, पिज्जा कैसे बनाते हैं। खाना भी मैनेज करेंगे, पहले डेटा मैनेज कर लेंगे। डेटा डिलीट हो जाएगा तो गेम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है टक्कर दे पाओगे बीटरूट को अपने पिज्जा से, बीटरूट सैलेड को? नॉट एट ऑल, आई कैन बेट यू अभी से ही। खन्ना जी का पिज्जा बनाएंगे और इनका पिज्जा खाएंगे आप।
few moments later. एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है बाय द वे. मुझे लग रहा है दीपाली को गलत गैस दे दी गई है, उनको वो वाली देनी चाहिए थी. वेरी गुड ओमकार. साइलेंस भाई साइलेंस. मेरा पनीर भी एकदम रेडी हो गया. आई ऑलरेडी हेट यू फॉर दिस बट नेवर माइंड. ओके कोई बात नहीं यार, क्वेश्चंस आने चाहिए हर चीज का. चलो ठीक है, अब इसने अगर मुझसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है तो अब मैं भी इसे उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगी. आई एम श्योर इसको नहीं पता उसका आंसर. रॉन्ग आंसर यार, ऐसे नहीं चल रहा. देख तू बंदा ले लिया. रॉन्ग आंसर, एकदम गलत आंसर है. और तुझे इतनी बार में उसका नाम बता चुकी हूं बट तूने नहीं बता पाया. तो नाउ आई नहीं भाई मेरे दिमाग में आ रहा है. नहीं आई हैव अ पनिशमेंट फॉर यू. क्या हुआ अभी सक्षम पिज्जा खन्ना जी का पिज्जा. खन्ना जी ऐसा लग रहा है आपके पिज्जा को नजर लगी किसी की. हाँ भाई ये थी ना. नहीं इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसने ना बहुत सारे तेल के अंदर जीरा तो यहाँ लगी भाई, इसने बहुत सारे तेल में ना जीरा डाल दिया भाई. नजर वहां नहीं लगी, नजर यहाँ लगी. ये बहुत बुरी नजर है, दिख रहा है ना. आई फील बैड फॉर माय फ्रेंड टुडे बिकॉज वी वर इन दिस कॉम्पिटिशन ऑफ कुकिंग और बेचारे का पिज्जा नीचे गिर गया. भाई बहुत अच्छा बना है मेरा पिज्जा, मैं ही जीता हूँ. तेरे को तो आपने खन्ना जी का ये रूप तो कभी देखा नहीं होगा पर आज देख लीजिए, शायद इसके बाद ये देख पाए ना पाए. इसी चैनल पे गेम खत्म है आज. पार्टी उन्हें भेजे खन्ना जी ने अपना जो पिज्जा है ना जो बना रहे थे वो गिरा दिया, तो उसकी फिर से प्रिपरेशन चल रही है कि हम उनको नया पिज्जा बना के दे रहे हैं. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दीपाली? हाँ एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल वंडरफुल. इनको हरा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. ऑफिशियली वैसे मैं ही जीता हूं. ओह प्लीज इट वाज ऑल चीटिंग. जस्ट मेरी ही अच्छी. तो बस नजर लगा के वैसे मेरी ही अच्छी. एक पिज्जा गिराने के बाद विनाद बन ही गए. आज तीन बार बनाया मैंने. इन्होंने तीन बार पिज्जा बनाया और एक ही दिन में. लेकिन अच्छा था यार, सो फार बहुत कुछ नया सीख के जा रहे हैं, मजा करके जा रहे हैं. और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. और जैसा जाने से पहले अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए.